अगली बड़ी खबर का यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी ने कल हैदराबाद में की लंबी बैठक। आगे की रणनीति और वहां के मुस्लिम सियासी समीकरणों पर हुई चर्चा। यूपी AIMIM के बड़े नेताओं को किया गया था हैदराबाद तलब। मीटिंग में शौकत अली भी थे मौजूद। 8 तारीख को ओवैसी ने यूपी आने पर हामी भरी। AIMIM यूपी नेताओं को मुस्लिम समुदाय के बीच जमीन पर पहुंचने का दिया गया है निर्देश। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। ओवैसी ने यूपी में तैयारी शुरू कर दी है और इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ओवैसी ने तैयारी शुरू कर दी है मुस्लिम सियासी समीकरणों पर चर्चा वो लगातार कर रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर कल हैदराबाद में की लंबी बैठक। आगे की रणनीति पर चर्चा की। यूपी में AIMIM के बड़े नेताओं को किया गया था हैदराबाद तलब। मीटिंग के दौरान शौकत अली भी मौजूद थे। 8 तारीख को ओवैसी ने यूपी आने पर हामी भरी है। AIMIM यूपी नेताओं को मुस्लिम समुदायों के बीच जमीन पर जाने का निर्देश दे रही है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी में ओवैसी के एंट्री पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान। क्या मुस्लिम वोटरों के ठेकेदार है ओवैसी? ये बड़ा सवाल किया गया है नकवी की तरफ से। पहले तेलंगाना में सीएम बनकर दिखाएं ओवैसी, ये नकवी ने कहा। ओवैसी ने कहा था इस बार योगी को सीएम नहीं बनने देंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि पहले तेलंगाना में सीएम बनकर दिखाएं ओवैसी। ओवैसी ने कहा था इस बार योगी को सीएम नहीं बनने देंगे। तो मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान, क्या मुस्लिम वोटरों के ठेकेदार हैं ओवैसी? ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीति गर्म कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 20% उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट है, तो 3% 4% 5% 6% 7% वाले अगर मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं? क्यों मुस्लिम वोट उनकी ठेकेदारी है क्या? और वो कब से मुख्यमंत्री हैदराबाद से आकर के और उत्तर प्रदेश में बनाने लगे? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा चुनेगी। कोई ओवैसी वैसी नहीं चुनने वाले हैं और कोई ओवैसी वैसी नहीं बनाने वाले हैं। और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस मजबूती के साथ समावेशी विकास के साथ सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के लिए काम किया है, जनता उनके साथ है। खुलेआम मंच से कह रहे हैं सर कि योगी आदित्यनाथ को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आने देंगे। काम करें जब हैदराबाद में या तेलंगाना में पर एक मुख्यमंत्री बना लें तब फिर यूपी की सोचें। सूत न कपास आपस में लट्ठम लट्ठा। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब का साफ साफ कहना है कि संकुचित सोच के साथ अगर कोई काम करे तो राजनीति में उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पर काम करती है। दिल्ली से कैमरामैन बलवंत के साथ अभिषेक दुबे, जी मीडिया। और करते हैं अगली बड़ी खबर का। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का स्लॉटर हाउस वाला काम। मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस नेता के भड़काऊ बोल। बंद पड़े सभी स्लॉटर हाउस को खुलवाने के लिए लोगों को उकसाया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहनवाज जालम ने लोगों को भड़काया है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं शहनवाज। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस नेता के भड़काऊ बोल सामने आए हैं। बंद पड़े स्लॉटर हाउस खुलवाने के लिए लोगों को उकसाया है, भड़काया है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं शहनवाज और बंद पड़े हुए स्लॉटर हाउस को खुलवाने के लिए लोगों को भड़काते हुए नजर आए। तो कांग्रेस का स्लॉटर हाउस खोलने का ये दांव आने वाले वक्त में किस तरह से असर डालता है ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर भड़काऊ बातें करते हुए शहनवाज नजर आए। उन्होंने कहा कि जो बंद पड़े हुए स्लॉटर हाउस है जिन्हें की योगी सरकार में बंद कर दिया गया था उन्हें खोला जाएगा। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बिल्कुल, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी है, दूसरी तरफ किस तरह से भड़काऊ बयान जो दिया है शहनवाज ने वो है। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव में, अक्सर इस तरह की बातें सामने आती है लेकिन लोगों को उकसाया भी जाता है। पहली है कि स्लॉटर हाउसेस को खोला जाए और जो रोजी रोजगार आपका जिससे जुड़ा हुआ है उसको चलने दिया जाए। दूसरी मांग हमारी ये थी कि कानपुर से लेकर के हापुड़ तक जितनी भी टैनरियों को बंद किया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में उनको फिर से खोला जाए। तीसरी बात जो उस मांग पत्र में थी वो ये थी कि जो गाय के नाम पे आपके साथ बर्ताव किया जा रहा है, जेल में भेज दिया जा रहा है, फर्जी मुकदमे लगा दिए जा रहे हैं, उन तमाम मुकदमों को खत्म किया जाए।